मेरा नाम चैनूराम साहू जी है। मैं ग्राम पंचायत छिद्दो का सरपंच प्रतिनिधि हूँ, जो कि आज हमारा पंचायत नया पंचायत स्थापित हुआ है। और यह पंचायत डोंगरगांव ब्लॉक लगभग 8 किलोमीटर पर है। हमारा जिला राजनांदगांव जो कि 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हम गांव के विकास के लिए हमको जनता ने चयनित किया है और हम चुनाव में अपना बात भी रखे थे कि गांव का विकास करेंगे। एक नारा लगाए थे कि हर गली में होगा उजियारा, अब न होगा अंधियारा, घर घर में सीसी रोड, घर घर में पानी। ये हमर मन के रही से बात है, ये प्रचार प्रसार पर रही से इला हम करके दिखाए हैं। अभी हर घर में पानी और हर गली में लाइट देन, नया पंचायत अपन सरकार के माध्यम से जतिक भी सरकार की योजना के जो काम रही से ओला अपन कराथन। एक नया अपन पीडीएफ भवन के भी व्यवस्था हो गए, हमारे गांव में राशन दुकान की भी व्यवस्था भी करें। और एक हमारा बैराज है हमारे गांव में, वो बैराज ला बहुत ही पर्यटन के हिसाब से अपन वाला आगे बढ़ाना चाहतन। आज बहुत ही सुंदर ढंग के हमारे ग्राम पंचायत छिद्दो में पर्यटन के स्थान पर अपना सूखा बराज नाला है, वो बहुत ही सुंदर मनभावक है, उसको हम सजाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर हमारा पंचायत को बनाना चाह रहे हैं हम। हमारे गांव में मूलभूत सुविधा पर्याप्त हो, सरकारी योजना आए। और एक अपना इच्छा भी है कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां का उप स्वास्थ्य केंद्र का दूरी लगभग यहां से 10 किलोमीटर आश्रम में जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर अपना जनपद पंचायत डोंगरगांव में जाना पड़ता है ब्लॉक में। एकर कारण से थोड़ा से बहुत बड़ी परेशानी होते, जेकर कारण अपन ला यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित ऐसे करे के अपन सोचे हैं। और शिक्षा के भी क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारा परेशानी, स्कूल ही नहीं है, 5वीं क्लास तक के स्कूल, उसको अपन मिडिल तक ले जाएं तो अपन गांव के विकास के लिए भी अच्छा हुई। और अपन चाहतन कि गांव में बहुत ही सुंदर ढंग से ये पलायन वाला जो चला था वो योजना अपन खत्म करबो, तेकर बाद सरकार की योजना के हर काम ला मतलब अपन ग्राम पंचायत में कराना चाहतन रोजगार मूलक के तहत। हमारे ग्राम तक के आप आए सत्य दर्शन चैनल वाले और हमारे गांव के जतिक भी बात रही से गोट बात इला उजागर करे प्रयास करे, सरकार तक के पहुंचाए प्रयास करे। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।